का बेसिक्स आपका सब कुछ ठीक है तो आंसर निकालने में भी आपको आसानी होगी आंसर तक सही आंसर तक पहुंचने में भी आप आसानी से उसको पहुंच सकते हैं ठीक है तो आगे हम पढ़ेंगे और आज इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने बिहार अड्डा 247 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का पहला क्वेश्चन क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर बस बस आपको पता है बस एक कॉमन वायर होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं कि बस क्या होता है बस होता है कॉमन कॉमन वायर फ्रॉम डिवाइस बात करें तो एक डिवाइस से दूसरी तक जो करता है, तो उसके लिए जो किया जाता है वो क्या है बसेस तो बसेस आर यूज टू ट्रांसमिट या ट्रांसफर या सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेट इन द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर आप देखेंगे तीन टाइप का बस होता है कितने टाइप का बस होता है तीन टाइप का बस हो रहा है तो लेकिन सही है, भी है ठीक है डेटा बस कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस तो होता है टाइमर बस का नाम आपने नहीं सुना होगा तो तीन ही टाइप का बस होता है कौन कौन सा डेटा बस कंट्रोल बस एड्रेस बस क्लियर टाइमर बस नहीं होता है ठीक है पहले की कभी क्लासेस में यूट्यूब में भी मैं मैं जब थोड़ी बहुत वगैरह करा करा रहा था, प्लस उसमें इसकी चर्चा भी भी हुई थी और आगे भी मैं करा दूंगा, ठीक है? Next जो है, है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट बताइए क्या होगा आंसर बताइए क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू आज का जो कंप्लीट क्वेश्चन होगा वो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बेस्ड पर होगा ठीक है पहले ही मैंने क्लियर कर दिया आपको तो बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू का जब तक आप लोग आंसर नहीं बताएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते आंसर है दो का क्या डी इसको कहा जाता है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट द टेक्निक ऑफ असाइनिंग अ मेमोरी एड्रेस टू ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस इन सिस्टम इज कॉल्ड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने ये सारा चीज पढ़ाया हुआ है जो क्लास में है वो सभी लोग इसको पढ़े हुए हैं आगे बढ़ते हैं हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन द बस हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन अ बस जितना जल्दी आप लोग आंसर करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन द डेटा बस डेटा बस में कितना बिट यूज होता है एट बिट यूज होता है कितना बिट एट बिट इक्वल टू वन बाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोर्ट कैन बी स्ट्रिक्टली फॉर इनपुट स्ट्रिक्टली फॉर आउटपुट बाई डायरेक्शनल ऑल द नन ऑफ दिस पर पोर्ट पोर्ट ये नेटवर्क के की बात नहीं हो रही है नेटवर्किंग पोर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हार्डवेयर पोर्ट की बात हो रही है ठीक है हार्डवेयर पोर्ट में ये क्या है स्ट्रिक्टली फॉर इनपुट मतलब यूनिटायरेक्शनल ये मतलब यहां पर बेसिकली बाई डायरेक्शनल होता है क्या होता है बाई डायरेक्शनल जब यहां पर है तो आंसर क्या हो जाएगा सी बाई डायरेक्शनल फोर का आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या होगा क्या पूछा गया इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट विद इन द माइक्रो प्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट विद इन द माइक्रो प्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट विद इन द माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर रेजिस्टर तो सबसे पहली बात क्या है component क्या है? है। की की अगर major parts की बात करें, तो input, process, output, storage है. इसमें सबसे पहली बात है पूछा गया है आपसे माइक्रो प्रोसेसर इन माइक्रो प्रोसेसर तो इसमें प्रोसेसर लाइक मान लीजिए सीपीयू तो इसका जो मेजर कंपोनेंट क्या क्या है इट कंसिस्ट ऑफ जिस्टर्स ठीक है कंट्रोल यूनिट एंड एलयू, ठीक है अब अगेन जब रजिस्टर्स की बात होती है तो यहां पर रजिस्टर्स स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस है लाइक प्रोग्राम काउंटर है क्या है प्रोग्राम काउंटर है और डेटा रजिस्टर है एड्रेस रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है एक्यूमलेटर है ठीक है टेम्परेरी रजिस्टर मतलब ऑल दीज आर द रजिस्टर्स रजिस्टर कोई भी हो तो रजिस्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट का काम क्या है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन पूरे मैनेजमेंट का काम प्रोसेसर के अंदर कौन करता है तो कंट्रोल यूनिट जैसे इंस्ट्रक्शन को फेच करना डिकोड करना ठीक है ए एल यू एल यू ऑपरेशन वेदर इट इज अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन फॉर्म बाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्लियर है तो ए एल यू यहां कंट्रोल यूनिट तो यहां पर आप देखेंगे नॉट अ बेसिक एलिमेंट तो माइक्रो कंट्रोलर यहां पर बेसिक एलिमेंट नहीं है बेसिक एलिमेंट क्या है पूछा क्या विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट विद इन द माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ए एल यू रजिस्टर एकटर ये सब है बेसिक एलिमेंट तो ऑप्शन हो जाएगा कितने लोग का आंसर सही है बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर फाइव का जो है आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हाँ यहां पर देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है क्या हाँ 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 यहां मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा मिस्टेक ये मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको ये है वैल्यू ठीक है अब हो गया ना करेक्ट आगे बढ़ेंगे एक्यूमुलेटर तो एक रजिस्टर है एक्यूमलेटर तो एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जिसे प्रोसेसर्स रजिस्टर कहा जाता है प्रोसेसर्स रजिस्टर कहा जाता है अर्थेमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान ठीक है इंस्ट्रक्शंस के दौरान तो वो तो एक्यूमलेटर को यूज करता है एक्यूमलेटर क्या है प्रोसेसर रजिस्टर है क्लियर चलिए कोई बात नहीं क्लियर हो गया ना तो ये क्वेश्चन इस टाइप का बनता है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में व्हेन रेफरिंग टू द इंस्ट्रक्शन वर्ड्स अ निमोनिक इज निमोनिक आपको पता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए किसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज में किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए क्या यूज किया जाता है इंग्लिश इंग्लिश का एक एक एब्रिविएटेड वर्ड लिखा जाता है मतलब इंग्लिश का यूज किया जाता है

वेन रेफरिंग टू द इंस्ट्रक्शन वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर सी कैसे होगा भाई आप लोग सी कर रहे हैं आंसर देखिये यहां पर एक एवरीविएटेड फॉर्म होता है ठीक है जैसे मूव एम ओ वी लिखते हैं एड ए डबल डी लिखते हैं ठीक है एंड एड एल डी एस टी ए बन बी एस ए आई एस जेडी सब पढ़ा होगा आपने तो यहां पर ऑपरेशन टू बी परफॉर्मड कौन सा ऑपरेशन करना है उसी का शॉर्ट फॉर्म तो होता है और इसके बाद में होता है क्या होता है इसके बाद में होता है जैसे ए कॉमा बी तो यहाँ पर ए और बी को ऐड करना है ठीक है तो शॉर्ट एव्रीवियन फॉर द ऑपरेशन टू तो बी परफॉर्मड ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको प्रैक्टिस करने की नीड है अगले क्वेश्चन पे आप चलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द निमोनिक कोड्स एंड द मशीन कोड्स देखिए यहाँ पर बात ये होती है कि लैंग्वेजेस की कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तो मशीन लेवल लैंग्वेज वो होता है जो कंप्यूटर डायरेक्टली उसे अंडरस्टैंड करता है ठीक है उस लैंग्वेज को समझता है असेंबली लेवल लैंग्वेज एक तरीके से आ गया उसके बाद प्रोग्रामिंग को थोड़ा आसान करने के लिए कि एक प्रोग्राम ऑब्वियस सी बात है निमोनिक्स के फॉर्म में हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं ठीक है एंड हाई लेवल लैंग्वेज आ गया इजी टू प्रोग्राम प्रोग्रामिंग करना जिसमें आसान है और जब प्रोग्रामिंग करना आसान है तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एंड कॉम्प्लेक्स कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल सी प्लस प्लस है 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 पाइथन जावा एंड ऑल दैट ठीक तो यहां पर आप देखेंगे मशीन कोड क्या है, जो कॉम्प्लेक्सिली और वन के फॉर्म में होता है लो लेवल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है एंड निमोनिक्स तो ये कौन सा लैंग्वेज हो गया ये असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गया तो यहाँ पर आंसर कुछ दिया हुआ है हाँ वट इज द डिफरेंस बिटवीन निमोनिक कोड एंड मशीन कोड मशीन कोड मशीन कोड आर इन बाइनरी एंड निमोनी कोड्स बाय डायरेक्शनल विच बस अभी आपको हमने बताया डेटा बस कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस इनमें से पूछा गया है कि विच बस इज बाई डायरेक्शनल क्वेश्चन नंबर एट बस इज बाई डायरेक्शनल डेटा बस जो होता है वो क्या होता है बाई डायरेक्शनल होता है क्योंकि डेटा सेंड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमरी मेन मेमरी टू हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमरी तो इसमें डेटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है प्यरिटी प्यरिटी इज वॉट क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर बताइए प्यरिटी इज वॉट A byte is stored in the FAT, to indicated remaining slots, the optimal transmission speed of data over a CAT5 cable, an extra bit stored with the data in RAM that is used to check for errors when the data is read back, the optimal transmission speed of data over the CAT5 cable, none of these. क्या होगा आंसर इसका देखिये जिनसे क्वेश्चंस में कहीं समस्या आए तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना है जैसे एफर्ट ये लगाना है कि आप काफी टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए तो आपके लिए बेटर सजेशन ये होगा कि दो बार इसका रिवीजन हालांकि मैं खुद भी कराते रहता हूँ रिविजन वगैरह भी तो लेकिन रिवाइज करना जरूरी हो जाता है क्वेश्चन का एग्जाम तक थोड़ी प्रोफिशियंसी बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा एग्जाम में आपको पता है आप क्योंकि ढाई घंटे का पेपर रहेगा थर्टी मार्क्स का लैंग्वेज का टेस्ट होगा क्लियर है इस बार तो थर्टी मार्क्स का लैंग्वेज है उसमें भी आपको समय तो देना पड़ेगा ना वेदर इट इज़ क्वालिफाइंग पेपर फिर फोर्टी मार्क्स का जी है फिर एट्टी मार्क्स का कंप्यूटर साइंस है क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा तो थोड़ा समय लगाना पड़ेगा फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा मशक्क़त करना पड़ता है कि सही आंसर क्या होगा उसका चुनाव करना तो पेयरिटी वाला क्वेश्चन में हमेशा याद रखेंगे एक्स्ट्रा बिट पेरिटी मतलब एक्स्ट्रा बिट एंड एक्स्ट्रा बिट स्टोर डेटा इन रैम दैट इज़ दूस टू चेक फॉर एर वेन द डेटा इज रीड बैक क्वेश्चन नंबर टेन एफ डिस्कम कमांडू क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर बताइए एक कमांड है ठीक है डॉस में आपसे पूछा गया है कि ये जो कमांड है यह क्या करता है क्वेश्चन नंबर टेन एफ डिस्क कमांड का क्या काम है काफी लोग सेशन देख रहे हैं एक बार लाइक पे क्लिक कर दीजिए सेशन को लाइक कर दीजिए सेशन स्ट्रांग हो जाए थोड़ा सा वट डज एफ डिस्क डू एफ डिस्क कमांड का काम है इट क्रिएट पार्टीशन ऑन द हार्ड ड्राइव आपको पता है हार्ड ड्राइव के टोटल स्पेस को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसे कहा जाता है पार्टीशन लाइक सी डी ई एफ वाइज तो यहां पर एफ डिस्क कमांड का काम है क्रिएट पार्टीशन ऑन द हार्ड ड्राइव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्ट्रिंग ऑफ एट जीरो एंड बड़ा आसान सा इस सेट में क्वेश्चन आ गया जीरो एंड वन के एट बिट इक्वल टू बाइट ऑप्शन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन दी एक्सपेंशन बोर्ड मदर बोर्ड स्टोरेज डिवाइस आउटपुट डिवाइस नन ऑफ दिस चलिए बताइए आसान क्वेश्चन है बट मैं देखता हूं कि अगर कोई गलत करते पकड़ा गया तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान किया जाएगा द सीपीयू एंड द मेमरी आर लोकेटेड ऑन द दीपीयू एंड द मेमरी आर लोकेटेड ऑन द चलिए मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का गलत होगा इसलिए आंसर <laughs> मदरबुड होगा ऑप्शन बी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट सीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ जैसे एमएस ऑफिस एमएस वर्ड स्प्रेडशीट्स फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ कौन सा सॉफ्टवेयर है बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स इनेबल योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर मैनेजमेंट प्रोसेसिंग यूटिलिटी एप्लीकेशन नन ऑफ दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स इनेबल योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिमाग लगाइए ना थोड़ा सा कौन सा सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस को इनेबल करता है कि सॉफ्टवेयर और वो साथ में काम करे कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां पर

हार्डवेयर को या दो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है दो सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर दो हार्डवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है दो प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है दो प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों ही पर्सनल कंप्यूटर ही है बट बोथ आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेन्स एक्सट्रीमली रैपिडली फास्ट आंसर करिएगा फास्ट आर स्पेशली परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली सर्वर्स सुपर कंप्यूटर्स लैपटॉप मेन फ्रेम्स नन ऑफ दीज सुपर कंप्यूटर्स ऑप्शन क्या होगा सुपर कंप्यूटर्स प्रोसेस को रैपिडली इसलिए करता है क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर से यहां पर यूज होते हैं और इसका ह्यूज स्टोरेज एरिया होता है इसलिए यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैलकुलेशन मैनिपुलेशंस के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्ड प्रोसेसिंग नन ऑफ दिस क्या होगा आंसर बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द चिप यूज इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ ये क्वेश्चन भले ही आपको बहुत आसान दिखता हो लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था ठीक है आप लोग इसको अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी के टी आर ई वन में ये क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ था द चिप यूज इन कंप्यूटर इज अप ऑफ अप ऑफ बताइए आंसर देखिए बहुत बहादुर लोग आंसर देखिए सिलिका कर रहे हैं सिलिकॉन चिप होता है क्या होता है सिलिकॉन चिप होता है क्वेश्चन नंबर एटीन ऑप्शन इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है The following device allows the user to add external components to the computer system. The following device allows the user to add external components to a computer system. answer. The following device allows the user to add external components to a computer system. A storage device, keyboards, ports or system boards, disks, none of these. आंसर इज पोर्ट्स और सिस्टम बोर्ड्स बोर्ड आंसर पोर्ट्स एंड सिस्टम बोर्ड्स ऑप्शन सी अलाउ टू एड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स टू अ कंप्यूटर सिस्टम ऑप्शन सी इज राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट फिल इन द ब्लैक्स ऑल ऑफ दर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्रिंटर ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रॉम वट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द बुट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या होगा आंसर फ्रॉम वॉट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द बुट सबसे पहले बुटअप से रिलेटेड जो बेसिक सेटिंग्स होते हैं उसे बायोस कहा जाता है क्या कहा जाता है बायोस कहा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर किसका एग्जाम्पल है फर्मवेयर का एग्जाम्पल है फर्मवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम विच आर इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड कैनोट बी इरेज एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम ठीक है तो ये कहाँ पर रहता है परमानेंट मेमरी पर और परमानेंट मेमरी यहाँ पर क्या है रोम ओके तो फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बुटअप कंप्यूटर के बुटिंग में वो कहां पर अवेलेबल रहता है रीड वनली मेमरी रोम पे अवेलेबल रहता है और आप लोग एक बात मैं पहले भी बताया हूँ कि सीमोस यहाँ पर यूज किया जाता है सीमोस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर Next question is, Which one is the secondary memory device? Which one is the secondary memory device? CPU, ALU, floppy disk, mouse. None of these. Which one is the secondary memory device? CPU, ALU, floppy disk, mouse. None of these. Floppy disk. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मेमोरी चिप इज वोला टाइल इट विल कुछ क्वेश्चन है जो बहुत आसान है तो देख के आपको लग रहा है क्यों है? देखिए जब सेट का कोई किसी क्वेश्चन का बनता है किसी टॉपिक का तो उसमें इजी वाला क्वेश्चन भी तो रहेगा उसको कहां पे उठा के फेंक दिया जाएगा इफ अ मेमोरी चिप इज वोला टाइल इट विल इट विल लूज इट कंटेंट्स इफ करेंट इज टर्न ऑफ तो वोलाटाइल मेमोरी उसी को हम कहेंगे जिसका डेटा पावर सप्लाई बंद होने पे डेटा समाप्त जैसे रैम है तो रैम क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है मतलब नॉन नॉन परमानेंट मेमोरी वेर एज अगर रोम की बात करें तो रोम अभी हमने पढ़ा क्या है ये परमानेंट मेमोरी है लेकिन सवाल ये आता है कि आप कहोगे कि सिस्टम को जब शट डाउन किया जाता है तो रोम डेटा को कैसे रिटेन करता है डेटा को रिटेन करने के लिए तो यहाँ पर सीमोस यूज होता है तो रोम इज अ परमानेंट स्टोरेज रोम क्या है परमानेंट स्टोरेज है और इसीलिए डेट एंड टाइम आप सिस्टम दिन शट डाउन करते हैं दस दिन के बाद भी सिस्टम अगर ऑन करते हैं तो उसका डेट एंड टाइम सब कुछ क्या रहता है ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहता है बेसिक सेटिंग्स जो सेव्ड रहता है वो अपने आप क्या रहता है अपडेट रहता है तो वो डेटा रिटेन करता है क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज है परमानेंट मेमोरी है और बूटिंग में सबसे पहले यहां से ही इनिशियलाइज होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट टूल इज यूज़ टू टेस्ट सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स व्हाट टूल इज यूज़ टू टेस्ट सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स क्लियर बताइए इसका आंसर क्या होगा अब दरअसल आपका यहां पर सबसे पहले कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स सीरियल पोर्ट जो होता है कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा तो सिंगल स्ट्रीम सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट मल्टीपल स्ट्रीम मल्टी स्ट्रीम तो सीरियल पोर्ट इज कैपेबल टू डिलीवर सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा एंड पैरेलल पोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू या कैन कैपेबल टू डिलीवर मल्टीपल स्ट्रीम तो क्या पूछा गया यहां पर आप लोगों का क्या आंसर है बताइए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का लूप बैक ठीक है

वट कु एरर क्वेश्चन नंबर छब्बीस का आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या होगा व्हाट कुड कॉज ऑफ फिक्सड डिस्क एर नो सी डी इंस्टॉल्ड बैड रैम स्लो प्रोसेसर इन करेक्ट सीमो सेटिंग्स नन ऑफ दबव देखिए डिस्क एरर को फाइंड आउट करने के लिए एमएस डॉस में कौन सा कमांड यूज किया जाता है चेक डिस्क कमांड सी चेक डिस्क कमांड यूज किया जाता है एमएस डॉस में और व्हाट कुड कॉज द फिक्स डिस्क एरर्स अगर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे तो इनकरेक्ट सीमो सेटिंग्स सीमो सेटिंग्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की सेटिंग्स अगर इनकरेक्ट है तो यहां पर डिस्क एरर क्रिएट करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मिसिंग स्लॉट कवर्स ऑन अ कंप्यूटर कैन कॉज बताइए मिसिंग स्लॉट कवर्स ऑन अ कंप्यूटर कैन कॉज मिसिंग स्लॉट कवर्स ऑन अ कंप्यूटर कैन कॉज चलिए क्या होगा आंसर ओवर आंसर क्या होगा ओवरहिट ऑप्शन ए ये हार्डवेयर से जुड़े हुए चीजें इसलिए कुछ कुछ गलतियां आपसे हो रही होंगी बट इसको पढ़ के आप रिवाइज करके इसको दुरुस्त कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 27 तो हो गया 28 बताइए क्वेश्चन नंबर 28 ट्वेंटी एट हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू हार्ड डिस्क देखिए हार्ड डिस्क मेड अप ऑफ मैग्नेटिक प्लेट्स मैग्नेटिक प्लेट्स आर कैपेबल टू होल्ड द होल्डा और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है इसलिए हार्ड डिस्क जो होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ को स्टोर कर पाता है मतलब स्टोरेज कैपेसिटी अदर डिस्क के बजाय हार्ड डिस्क में ज्यादा होता है ठीक है तो यहाँ मैग्नेटिक प्लेट्स कई सारे यूज होते हैं ठीक है नॉट अ सिंगल मैग्नेटिक प्लेट्स इसलिए इसे हार्ड कहा जाता है हार्ड डिस्क कहा जाता है और वो क्लोज्ड रहता है एक कंपोनेंट के तौर पर तो यहाँ पर देखेंगे हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स और ट्रैक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स तो सेक्टर इज एक्चुअल प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड सेक्टर क्या है सेक्टर जैसे ट्रैक हो गया ये और सेक्टर क्या हो गया ये हो गया तो एक्चुअल डेटा जो होगा वो सेक्टर बाय सेक्टर क्या होगा स्टोर होता है और यहां पर जो हार्ड डिस्क के अंदर जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होगा वो क्या करता है यहां पर इसको रीड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच पार्ट ऑफ द लेजर प्रिंटर शुड नॉट बी एक्सपोज टू सनलाइट विच पार्ट ऑफ द लेजर प्रिंटर शुड नॉट बी एक्सपो एक्सपोज टू द सनलाइट बताइए, लेजर प्रिंटर शुड नॉट बी एक्सपोज टू सनलाइट पीसी ड्रम क्या होगा आंसर? आंसर इसका होगा ट्वेंटी क्या है resistance is measured in. प्रतिरोध रेसिस्टेंस इज मेजर्ड इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मेरा प्रयास है कि आज के सेशन में हम लोग करीब पचास क्वेश्चन को डिस्कस करें फिफ्टी क्वेश्चन और कभी आगे टाइम मिला तो इसका एक बार रिविजन भी करा दूंगा मैं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना आए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना रहता है मतलब दो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ठीक है तो रेसिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम ऑप्शन क्या होगा डी ओम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रोग्राम विच इज यूज टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज प्रोग्राम विच इज़ यूज़ टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासीफाइड एज एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम स्पेशलाइज प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नन क्या होगा आंसर बताइए <laughs> जब आपसे पूछा गया है कि कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस यूजर ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म नहीं करता है ठीक है तो आपको यहां पर याद रखना है सिस्टम प्रोग्राम क्या कहा जाएगा इसे सिस्टम प्रोग्राम ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन बी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एग्जांपल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड एग्जांपल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड क्या होगा आंसर बताइए शुआ को तो लाइक कर दीजिए आप सभी लोग एक बार खाली क्वेश्चन में देख भी करेंगे आप लोग एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कंपाइलर ट्रेस प्रोग्राम ऑल ऑफ दब नन ऑफ दिस इसमें क्या होगा आंसर ऑल ऑफ दी दया होगा आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दी एब इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिस्टम प्रोग्राम विच परफॉर्म वन सिंपल टास्क आर क्लासिफाइड एज देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड जैसे कोई बात नहीं है अगर सब लोगों ने लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है सिस्टम प्रोग्राम्स विच परफॉर्म वन सिंपल टास्क आर क्लासिफाइड एज देखिए इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है सिस्टम प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है उसे यूटिलिटी कहा जाता है क्या कहा जाता है यूटिलिटी जैसे यहां पर आप समझिए एंटीवायरस है disk, डिस्क चेक करने वाले या डिस्क कंप्रेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं ये यूटिलिटी प्रोग्राम है बेस्ट एग्जाम्पल एंटीवायरस ठीक है ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रो कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजली स्टोर्ड ऑन इन माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां पर स्टोर किया जाता है यूजअली ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क हार्ड डिस्क में स्टोर होता है हार्ड डिस्क मतलब यहां पर क्या होगा आंसर बताइए रैम में कैसे स्टोर होगा रैम में रैम तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि रैम तो टेम्परेरी मेमोरी है स्टोर कहां पे होगा तो परमानेंट मेमोरी इज अप्रोप्रिएट आंसर हार्ड डिस्क में एच नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स जनरल ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम इज जनरल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज क्लासिफाइड एज ऑफ भाग के यहां यहां से वहां से यहां आ गया था सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स जनरल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज क्लासिफाइड एज सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स जनरल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही जवाब होगा सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल्स देखिए डिस्क ड्राइव्स जो होते हैं फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करना इट मींस एस सी एस आई एस सी एस आई स्टैंड फॉर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एस सी एस आई हार्ड ड्राइव ऑप्शन सी इज राइट एस सी एस आई हार्ड ड्राइव ऑप्शन सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब एस सी एस आई का फुल फॉर्म याद रखिये स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस विच प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल्स क्वेश्चन थर्टी सिक्स का आंसर क्या होगा सी एस सी एस आई वगैरह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है यू इंस्टॉल अ सेकेंड आई डी हार्ड ड्राइव देन बुट टू विंडोज बट विंडोज विल नॉट रिकोग्नाइज इट व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट ये क्या होगा आंसर IDE हार्ड ड्राइव सबसे पहले तो कमांड मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले सी एस के डीएस के ठीक है आई डी हार्ड ड्राइव को स्टार्टअप हार्ड ड्राइव भी कहते हैं सीरियल एडवांस एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है या साटा सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट ठीक है साटा हार्ड ड्राइव सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट या आईडी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स तो रन सी एच के Dsk, सी एच के डी केवल होगा कमांड ऑप्शन बी सैतीस का बी होगा राइट आंसर क्लियर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्टी एट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है बताइए डायनेमिक रैम इज फास्टर देन स्टैटिक रैम रैम डायने स्टैटिक रैम बोथ आर विद सेम सेम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एस रैम इज फास्टर डी रैम फास्टर होता है एस रैम फास्टर होता है बताइए क्या होगा आंसर स्टैटिक रैम जो होता है फास्ट होता है एस रैम इज फास्टर देन द डायने रैम ऑप्शन सी इज राइट अड़तीस का ऑप्शन सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सीरियल पोर्ट इनेबल डेटा फ्लो इन सीरियल पोर्ट इनेबल डेटा फ्लो इन देखिए सीरियल पोर्ट के बारे में हमने बताया कि इट इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा लेकिन डेटा फ्लो ही करता है सीरियल पोर्ट हो या पैरेलल पोर्ट हो ठीक है सिंगल स्ट्रीम तो सीरियल पोर्ट मल्टी स्ट्रीम मतलब मल्टीपल स्ट्रीम तो पैरेलल पोर्ट तो बोथ डायरेक्शंस ठीक है सीरियल पोर्ट इनेबल्स डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन ऑप्शन बी इज राइट बोथ डायरेक्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कैपेबल फॉलोइंग कैपेबल टू प्रोवाइड इम्यूनिटी कैपेबल टू कैपेबल टू प्रोवाइड

से यू में इम्यून है मतलब इलेक्ट्रिकल इंटरफे डेटा सिग्नल वीक नहीं कर सकते हैं तो वो किसमें होता है फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में होता है फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में होता है ऑप्शन बी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैनेजिंग द डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट बाई यूजिंग दीसी पी आई पी प्रोटोकॉल सुट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैनेजिंग द डिवाइसिस ऑन द इंटरनेट बाई यूजिंग द टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल सुट क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैनेजिंग द डिवाइसिस ऑन द इंटरनेट बाई यूजिंग द टी सी पी आई पी टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल में कौन सा प्रोटोकॉल टीसी पी आई पी मॉडल में कौन सा प्रोटोकॉल डिवाइसेस को जो इंटरनेट से कनेक्टेड उसको मैनेज करता है क्या होगा आंसर सबका अलग अलग आंसर आ रहा है बताइए होता है सिंपल नेटवर्क डोमेन नेम सिस्टम तो हो गया डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना डीएनएस क्या करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है एस एन एम पी क्या है सिंपल नेटवर्क Management protocol, simple network management protocol SNMP. Next question is, What is the true regarding the parallel port? What is true regarding the parallel port? A parallel port for connecting an external device on PCs, parallel port uses 25 pin connector, parallel port uses parallel transmission of data. ऑल आर ट्रू नन ऑफ दी एब क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू का क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू का आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दर करेक्ट रिगार्डिंग द पैरल पोर्ट अगेन में रिपीट कर ला हूं पैरल पोर्ट इज कैपेबल टू डिलीवर मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ डेटा पैरल पोर्ट इज कैपेबल टू डिलीवर मल्टीपल पोर्ट ऑफ डेटा मल्टीपल पोर्ट ऑफ डेटा ऑप्शन यहां पर डी तो सही होगा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री फोर्टी टू हो गया फोर्टी थ्री तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग अगर हम बातचीत करने लगते हैं आप लोगों से तो क्वेश्चन कम होते हैं ध्यान दिया आप लोगों ने जब बतियाना कम कर दिए कम कर दिए क्या आप लोगों का बस वही सवाल बार बार रिपीट होता है सवाल कुछ नया नहीं रहता है और सब लोग चाहते हैं कि हमें व्यक्तिगत रूप से सर गुड इवनिंग बोलते रहें तो इसमें आप ही का लॉस है हमारा क्या लॉस है हम तो बतियाते रहेंगे एक घंटे तक तो एल जी ए यहाँ पर पूछा गया और आज देखिए फोर्टी थ्री क्वेश्चन हो गया मात्र फोर्टी सिक्स मिनट अभी हुआ है ठीक है यहां देखिए What is LGA? LGA socket is the connection point for central processing unit to fit into a motherboard. The LGA stands for land grid array. The LGA stands for land graphic array, both A and B, none of the above. What is LGA? देखिए यहाँ पे सबसे पहले एल जी एज अ सॉकेट इज द कनेक्शन पॉइंट सॉकेट ऑब्बियसली क्या है जैसे पोर्ट कनेक्शन पॉइंट है ऑब्वियसली सॉकेट नेटवर्किंग में मैंने बताया कि सॉकेट एड्रेस का मतलब क्या होता है आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन सॉकेट एड्रेस होता है आप लोगों को याद आ रहा होगा शायद पहले मैंने क्लासेस में कराया है आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन सॉकेट एड्रेस होता है सॉकेट क्या है एलजीए सॉकेट इज द कनेक्शन पॉइंट फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू फिट इन टू द मदर बोर्ड मदर बोर्ड तो सीपीयू का जो कनेक्शन पॉइंट है वो है एलजीए सॉकेट द एलजीए स्टैंड फॉर द लैंड ग्रिड एरे। लैंड ग्रिड एरे तो यहां पर ए एंड बी दोनों ही सही है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री का आंसर बोथ ए एंड बी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वट इज द करेक्ट अबाउट पेंटीएम फोर पेंटीएम फोर इतना तो आपको पता ही है पेंटीएम फोर एक माइक्रो प्रोसेसर है जो अर्ली डेज में मैन्युफैक्चर uh, किया जाता था पेंटीएम फोर पेंटीएम चिप के जो इन्वेंटर थे विनोद धाम थे ठीक है प्रोसेसर है पेंटीएम फोर द बस सीट विथ फोर हंड्रेड मेगा हर्ज पेंटीएम फोर प्रोसेसर स्टार्ट एट फाइव ट्वेल्व के बी ऑल ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का आंसर फोर्टी फोर का आंसर इनमें से सारे पॉइंट्स पेंटियम फोर से संबंधित बिल्कुल सही है ठीक है अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गए जैसे इंटेल के प्रोसेसर फैमिलीज आ गए जैसे आई फाइव आई सेवन एंड ऑल ठीक है नेक्स्ट है वाट आर द लेटेस्ट प्रोसेसर ऑफ इंटेल एंड ए इंटेल और ए का लेटेस्ट प्रोसेसर इंटेल और ए दो इंपॉर्टेंट चीप मैन्युफैक्चरिंग या दुनिया के इंटेल हालांकि सबसे बड़ा चीप और प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम क्या इंटेल है और ए भी है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव का आंसर बताइए फोर्टी फाइव फोर्टी <coughs> फाइव का जो आंसर इसमें दिया हुआ है इंटेल का लेटेस्ट जो है प्रोसेसर आई सेवन है क्या है आई सेवन है बट आई सेवन यहां भी दिया हुआ है ए एम डी का ऑप्ट्रियन सिक्सटी टू हंड्रेड सीरीज प्रोसेसर जो है ये लेटेस्ट है ए एम डी का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन ए इज राइट तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बेसिक्स और कितना सारी चीजें क्वेश्चन हैं हालांकि बहुत सारी जानकारी रहती है लेकिन आज के सेशन से आपका ये सारा जो है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बेसिक्स फंडामेंटल टाइप या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बहुत सारे मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहा था कलेक्शन मुझे लगा कि नहीं इसको मैं कराऊंगा मैं पहले ही करके रखा था ठीक है विच टाइप ऑफ सॉकेट इज नीडेड टू कनेक्ट अ ड्यूएल कोर प्रोसेसर ऑफ इंटेल डिवेल कोर प्रोसेसर इंटेल ये कौन सा सॉकेट यूज होता है हालांकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है आप इस कॉन्टेक्स्ट में आ, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना होना चाहिए 46 का आंसर क्या होगा सॉकेट एल 775 एवन यूज होता है ठीक है सॉकेट एलजीए फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैश मेमोरी व्हाट इज द एडवांटेज इफ अ प्रोसेसर विद मोर कैश मेमोरी यू आर यूजिंग अगर आप जिस प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं और उस प्रोसेसर में कैश मेमोरीज अधिक है ठीक है अगर कैश मेमोरी ज्यादा है प्रोसेसरस में तो यहां पर सबसे पहले व्हाट इज कैश मेमोरी वट इज द एडवांटेज इफ अ प्रोसेसर विद मोर कैश मेमरी यू आर यूजिंग इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का आंसर करिए आप लोग सबसे पहले आपको पता है कि कैश मेमरी आर प्लेस्ड बिटवीन द रैम एंड द प्रोसेसर प्रोसेसर और रैम के बीच में प्रोसेसर और रैम के बीच में इसको यूज किया जाता है और ये जो मेमरी होता है ये क्या होता है फ्रिक्वेंटली प्रोसेसर इसको एक्सेस कर सकता है ठीक है एंड फास्टेस्ट मेमोरी है तो इसमें आप देख सकते हैं कैश मेमोरी कैश मेमोरी इज द मेमोरी एरिया बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर इफ कैश मेमोरी इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द सिस्टम विल बी ऑल्सो इंप्रूव्ड ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन ऑप्शन सी इज राइट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज ट्रू अबाउट डी रैम डायनामिक रैम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 डायनामिक रैम स्टोर्स डेटा यूजिंग अ पेयरड ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर फॉर ईच बिट ऑफ डेटा इन डायनामिक रैम कैपेसिटर्स कांस्टेंटली लीक इलेक्ट्रिसिटी व्हिच रिक्वायर द मेमोरी कंट्रोलर टू रिफ्रेश द डी रैम सेवरल टाइम्स ठीक है बिल्कुल सही है डी डी आर एस डी रैम इज अ टाइप ऑफ डी रैम ठीक है डी डी आर टू डीडीआर थ्री डी डी आर का मतलब होता है डबल डेटा रेट ठीक है ऑल ऑफ दी एट का आंसर क्या हो जाएगा फोर्टी एट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी दर ट्रू अगला क्वेश्चन है फोर्टी नाइन हम लोग फिफ्टी के करीब आने वाले हैं हाँ आ गया यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट इज ट्रू अबाउट डी डी आर टू डीडीआर टू डबल डेटा रेट डी डी आर का फुल फॉर्म अभी हमने क्या बताया डबल डेटा रेट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन डी डी आर टू इज द सक्सेसर ऑफ डी डी आर रैम डीडीआर टू इन सेवरल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स टू कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी एज वेल एज एन इनहांस्ड डेटा रेट डी डी आर टू इज कैपेबल ऑफ अचीविंग ट्वाइस द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ द डीडीआर वन मेमरी बिकॉज ऑफ इट्स हाईर क्लॉक स्पीड इसका डेटा ट्रांसफर डिपेंड करता है क्लॉक स्पीड पे ऑलवेज ध्यान रखिएगा क्लॉक स्पीड अगर हाईर होगा तो डेटा ट्रांसमिशन भी क्या होगा हाई स्पीड से होगा इट ऑपरेट एट द लोअर वोल्टेज दैन द डीडीआर वन एज वेल एज मतलब वोल्टेज के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है हालांकि ये ना भी याद रखे तो कोई बात नहीं है लेकिन ये आपको याद रखना है कि इट ऑपरेटेड लोअर वोल्टेज द डीडीआर डीडीआर वन से लोअर वोल्टेज भी है और क्लॉक स्पीड हाई है और डबल है किससे डी डी आर वन से क्या है डबल है तो इसलिए यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन जो होता है फास्ट होता है डेटा ट्रांसफर रेट ऑल ऑफ सही है क्या है ऑल ऑफ द तो खासकर इसमें रैम डी डी आर कैश ऐसे कितने क्वेश्चन आप लोगों ने आज के सेशन में कर लिया है ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ए एम डी जो ए एम डी प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर का कंपनी ए एम डी का फुल फॉर्म क्या होता है वट इज द फुली वट इज द फुली आप लोग जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा तब तक पढ़ते रहिएगा ठीक है ए एम डी का फुल फॉर्म क्या होता है एडवांस्ड डिवाइसेस क्या होता है एडवांस माइक्रोडि ए एम का फुल फॉर्म है है। है? है? किस को कहा जाता बताइए हार्ड डिस्क को कहा जाता है किसको कहा जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव को विंचेस्टर ड्राइव कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मदर बोट एक्सपेंसन स्लॉट मदर एक्सपेंशन स्लॉट का टाइप पूछा गया यहां पे क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर इसमें ATX जो है ATX नहीं है है नहीं ठीक एक्सपेंशन स्लॉट का टाइप नेक्स्ट हाउ मच डेटा विल हाई डेंसिटी एच डी डिस्क होल्ड आपसे पूछा गया है कि हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क कितना डेटा होल्ड करता है बताइए MB, MB. Next question है, है? ये तो question repeat हो गया, ठीक विवीन एटी एंड एटी एक्स पावर सप्लाईज एटी एक्स एटी एंड एटी एक्स पावर सप्लाई के बीच डिफरेंस पूछा गया है मदरबोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में फिफ्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव आंसर है सी एटी सप्लाइज यूज पी एट एंड पी नाइन पावर कनेक्टर्स व्हाइल एटीएक्स यूजेस अ सिंगल पी वन कनेक्टर तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी 55 तो so, ये सब आपसे मदरबोर्ड से संबंधित प्रश्न है अ सेमीकंडक्टर मेमोरी विच अलाउ द इरेजर ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट सो दैट न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन इट इज रेफरड एज यहां पर इरेजर उस इंफॉर्मेशन को इरेज करता है सेमी कंडक्टर मेमरी है तो सबसे पहले बात यह है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है ई प्रोम रोम रैम तो कौन सा आंसर होगा आंसर होगा ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमरी अलाउ करता है कि इरेज हो सकता है और दोबारा से डेटा इस पर लिखा जा सकता है तो ई प्रोम इज अ राइट आंसर ठीक है और ई ई भी होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन इंडेक्स होल इज रिलेटेड टू वॉट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन का आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन इंडेक्स होल इंडेक्स होल इज रिलेटेड टू

ए स्पेशल टाइप ऑफ बैच फाइल दैट रन ऑटोमेटिकली एट स्टार्टअप मतलब बूटअप जैसे सिस्टम बूटिंग होता है तो स्पेशल टाइप ऑफ बैच फाइल इज यूज दैट रन ऑटोमेटिकली एट स्टार्टअप इज़ एज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन का आंसर क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन का आंसर क्या होगा ऑटू एक्स्यूट डॉट बैट बैट मतलब बैच फाइल को डिनोट करता है फिफ्टी तो नाइन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड डिस्प्लेस डायरेक्टरीज एज वेल एज सब डायरेक्टरीज ऑल्सो इन एमएस यहां पर कौन सा कमांड डायरेक्टरी और <coughs> सब डायरेक्टरीज को डॉस में डिस्प्ले करता है डायरेक्टरी एस ये कमांड यूज होता है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर साठ का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी साठ का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ठीक है ओके okay. तो आप लोग बताइए फिफ्टी नाइन का बी ही आंसर होगा ठीक है कुछ लोग इधर उधर आंसर कर रहे थे तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का कुछ क्लियर हुआ इस क्लास से और कितना फायदा हुआ जरूर बताइए कमेंट करके बताइए जब बाद में आप क्लास को देखें तो क्योंकि ये मुझे लगा कि इतना क्वेश्चन आपके बहुत सारे चीज़ों को क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे इस क्वेश्चन से जैसे कि रैम वगैरह के संदर्भ में ऐसे क्वेश्चन और यहाँ से कोई प्रोबेबली चांसेस क्या रहता है दो क्वेश्चंस के चांस यहाँ से हैं कि आराम से दो क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में ठीक है तो आप लोग इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा ठीक है हाँ और आज हमने क्वेश्चन कितना डिस्कस कर लिया जो आपका प्रदर्शन आप आप कर पाएंगे एग्जाम में ठीक है? और आप में से ज्यादातर लोग हैं जो बैच में पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज भी क्लियर कर रहे हैं जितने लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं आप बेहतर कर पाए अपने टॉपिक्स को तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐप आप, आप इंस्टॉल कर लीजिए और उस ऐप में जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए बैच में जो क्लासेस जैसे उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी रहता है सपोज कोई टॉपिक हो चुका है या हो गया आप नहीं देख पाए आप रिकॉर्डिंग उसको प्रॉपर इसी तरीके से देख लेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है सारे पीडीएफ क्लास वाइज आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ठीक है और कम समय में एक बेहतर टॉपिक्स जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है जो स्टडी प्लान में मैं दिखाया भी उन टॉपिक्स को आप कर सकते हैं ठीक है और टॉपिक्स को करने के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराया जाता है तो आप में से जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग आयाची बैच ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या तरीका है आप लोग ध्यान से सुनिएगा एक एक व्यक्ति कैसे बैच ज्वाइन करना है देखिये यहाँ पे अड्डा ट्वेंटी ऐप है ठीक है अड्डा ट्वेंटी ऐप को ओपन करिए आ, मतलब ये वेबसाइट है आप ऐप पे ओपन करिए मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप ऐप पे ओपन करिए इंस्टॉल करके ठीक है डायरेक्ट बैच पे जाना है तो चैट बॉक्स में एक लिंक पिन किया हुआ है और लिंक पर ही आपको बताया गया कि इस लिंक से जा करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ एक कोड भी मैंसन है जिससे आपको डिस्काउंट पे मिलेगा मैं यहाँ भी बता देता हूँ जैसे यहाँ ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे यहाँ ऑल कोर्सेज में जाने के बाद स्टेट एग्जाम पे क्लिक करना है ठीक है स्टेट एग्जाम के अंदर आपको बिहार पे क्लिक करना है और शिक्षक भर्ती ग्यारह बारह पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बैचेस के डिटेल्स आएंगे ठीक है बैचेस के डिटेल्स आएंगे जो बैच पहले स्टार्ट हुआ था ठीक है दस अक्टूबर को ये बैच ये रहा इसका रिकॉर्डेड सारा सेशन अवेलेबल है बाद के क्लासेस भी इसमें लाइव जो चलेंगे वो है अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट करें अभी से तो उसके लिए भी बैच आपका आ रहा है ठीक है तो उसके लिए यहां पर व्यू ऑल पे क्लिक करिए व्यू ऑल पे जाने के बाद आप डेट चेक करिए कि जो जहां पर आगे के डेट में मतलब कि यहाँ पर आप देखें जो एक बैच तो हमने वो स्टार्ट किया और एक बैच स्टार्ट किया मतलब है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं यहां देखिए स्टार्ट नवंबर चौदह फोर्टीन इसका स्टार्ट डेट है इस बैच का तो इसपे क्लिक कर दीजिए इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग जो पहले बैच को नहीं ज्वाइन कर पाए वो ये बैच ज्वाइन कर लें ठीक है इसको बाई नाउ पे क्लिक करना है अब जो फी आपको दिखा रहा है ये बाई डिफॉल्ट कोड जो आप हमसे नहीं जुड़े या हमें हमारी क्लास नहीं देखे तो वो लोग रेंडमली आते हैं तो उनको उनके लिए वो है कि जैसे है वैसे वो दिमाग नहीं लगाते बट आपको बेसिकली ये कोड जो है रिमूव कर देना है ठीक है कोड रिमूव करके आपको जो कोड यहाँ पर इंटर करना है जिससे आप ये बैच ज्वाइन करेंगे ठीक है वो कोड यहां पर इंटर करिए Y645 ठीक है कौन सा कोड है Y645, जब आप इंटर करके अप्लाई करेंगे तो आप देखिए बैच का फी हो गया लोएस्ट मतलब जितना मैक्सिमम कम हो सकता है वो हो गया 1679 ये तब जब आप वेबसाइट अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के थ्रू इस बैच को एनरोल करेंगे तब अगर आप चाहते हैं ऐप से बैच को लेना तो कोड तो यही लगेगा ठीक है कोड के साथ साथ आप क्या करेंगे ऐप पर कुछ क्वाइंस मिलते हैं तो दोनों यूज कर लीजिए ठीक है कोड का डिस्काउंट भी यहां हो जाएगा इसका और प्लस कुछ क्वाइंस मिलते हैं ऐप में उस क्वाइंस को यूज क्वाइन पे क्लिक कर लीजिए ठीक है दोनों करने के बाद ये बैच अराउंड 1600 मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट भी इस बैच के साथ हो जाएगा और आप इस बैच को ज्वाइन भी कर लेंगे बैच का नाम बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा बैच का नाम यहां पर क्लियरली मेंशन है 2.0 बिहार शिक्षक भर्ती कंप्यूटर साइंस पीजीटी क्लास 11 12 क्लियर स्टार्ट डेट 14 नवंबर 2023 ये फाइनल सिलेक्शन बैच है कंप्यूटर साइंस की क्लासेस तीन घंटे की इसमें रहेंगी जिससे एक घंटा प्रैक्टिस दो घंटा थियोरी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों इंक्लूड रहेगा पीडीएफ सारा मिल जाएगा आपको ठीक है एंड इसमें फोर्टी मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा जीएस मैथ्स के साथ वो भी इंक्लूड रहेगा तो फोर्टी क्वेश्चन होंगी बट वो क्वालिफाइंग वहां पर बहुत ज्यादा माथा नहीं मारना है आपको मेहनत मेहनत क्या करना है जीके जी एस और कंप्यूटर साइंस तो वन ट्वेंटी मार्क्स के यहां पर आपको प्रिपरेशन करा दिया जाएगा रैपिडली करा दिया जाएगा बहुत तेजी से एग्जाम ओरियंटेड टॉपिक्स को कवर कर दिया जाएगा टॉपिक्स की जहां तक बात है इतनी अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर और अब तक ठीक है और आप सभी लोग तो पूरा जानते ही हैं बताने की जरूरत नहीं है ठीक है पूरा बीपीएससी पहले शिक्षक भर्ती के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमने डील किया ठीक है और बाकी ये है आप लोगों को बस आप लोगों को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करा देना है बस यहाँ तक हमारी जो है जिम्मेदारी है कि आप लोग भी जैसे पहले चरण में भारी संख्या में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए तो वैसे ही आप लोग भी जो लोग वंचित रह गए हैं स्टेट क्वालिफाइड नहीं थे उस समय 2023 में क्वालिफाई किए हैं तो अब आपका मौका है कि आप लोग भी सेलेक्ट हो जाएं और बिहार के हर विद्यालय में कम से कम एक व्यक्ति टेन प्लस टू स्कूल में शिक्षक बने जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा था और हमसे जुड़ के तैयारी किया और उसको सफलता मिली ये मिशन है हमारा कि बिहार भर के हर विद्यालय में एक एक कंप्यूटर शिक्षक जरूर पहुंच जाए ठीक है और ये मिशन जरूर कंप्लीट होगा 90 परसेंट काम तो हमने कर दिया है टेन परसेंट है कि जो इस बार दो हजार सीट है लगभग वो भी हम काम कर देंगे कि यहां पर हमारे स्टूडेंट जो है फुलफिल हो जाए ठीक है तो चलिए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोग पढ़ते रहिए ठीक है और मेहनत करते रहिए और जितने भी लोग हैं कुछ पैसों के बचाने के चक्कर में मत पड़िए बहुत मिनिमम अमाउंट है कोड हमने इसलिए बता दिया कि मैक्सिमम एवर डिस्काउंट हो जाए ठीक है तो देर मत करिएगा और क्योंकि जितना डिले करिएगा जैसे आज हमने एक घंटा में सिक्सटी क्वेश्चन किया सपोज इस क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या समझ सकते हैं ना कि आपके उस एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कितना परसेंट इन्हांस हो जाएगा इसी तरीके से प्रतिदिन टॉपिक क्वेश्चन ये सब चीज चलते रहता है, है? ठीक और इससे ही एक समय के बाद पूरा एक कलेक्शन बन जाता है और वहीं आपको काम आएगा इस एग्जाम के रिलेटेड रिसोर्सेस आपको कहीं अवेलेबल नहीं है ऐसा कोई किताब नहीं उठा के आप पढ़ लीजिए ऐसा कोई वेबसाइट पर नहीं है क्वेश्चंस की आप एक साथ अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन कर लीजिए ये बहुत बहुत बड़ी मेहनत का देन है कि इतना सारा क्वेश्चन कंपाइल्ड है एवरी डे मेहनत करता हूं जैसे आज आपके सामने प्रस्तुत किया हमने तो ये सारे क्वेश्चंस बेहतर कंपाइल करने में बहुत समय लगता है और इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है बना बनाया होता है जैसे खीर बना करके मम्मी कटोरा में लाके परोस देती है चम्मच लगा के दे देती है कि खा लो बाबू वैसा है ये ठीक है तो एकदम खीर के जैसा है ठंडा करके कि मुंह भी ना जले तो इस ये सारा चीज आप समझ पा रहे हैं तो चलिए बस यहीं पर हम सेशन को क्लोज करते हैं बाय बाय टेक केयर एवरीबडी गुड नाइट मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में